सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग अनबॉक्सिंग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। सो आज हम एक नई जगह में हैं, नए सेटअप में हैं। तो जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, मैं हूँ LG की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ। पास्ट वीडियो में मैंने आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो डेमो दे दिया था, आज हूँ मैं फुली ऑटोमेटिक का डेमो देने के लिए। सेमी ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है, जितनी भी अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं वो सभी एक ही जैसे उनका मतलब ऑलमोस्ट एक ही जैसे उनके डिजाइन होता है और वो एक जैसे वर्क करती है। लेकिन जो फुली ऑटोमेटिक की वॉशिंग मशीन होती है वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह से वर्क करती है। जैसे अलग अलग कंपनी का स्मार्टफोन अलग अलग फीचर्स के साथ आता है, तो इनके भी अलग अलग वर्क सिस्टम होते हैं। तो मैं LG की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ हूँ। अगर मैं जैसे आपका आप इसका डेमो देख लेंगे तो ऑलमोस्ट और भी वॉशिंग मशीन के आप डेमो समझ जाएंगे बहुत इजीली। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये स्विच की फिटिंग करवा रखी है। फुली ऑटोमेटिक की वॉशिंग मशीन की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, वो होती है ये पाइपलाइन की फिटिंग, वाटर पाइपलाइन की फिटिंग। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फिर इस वाटर लाइन के थ्रू ऑटोमेटिक पानी ले लेती है। तो यहाँ वाटर लाइन की भी फिटिंग हो चुकी है, ये काफ़ी जो अच्छा रहता है, काफ़ी सही रहता है। मेन आपको वाटर, जब तक आपके घर पे वाटर की फिटिंग नहीं है तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आप तब तक उस वॉशिंग मशीन को ना लें, क्योंकि आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस आपको करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अब इसके कंट्रोल पैनल पे। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हम LG की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल पे आ चुके हैं। यहाँ LG की ब्रांडिंग हो चुकी है और उसके बाद देख सकते हैं हमने प्लग जो ऑन कर लिया है, ये इसका कंट्रोल पैनल है। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल पैनल डीपली से समझा दूंगा। तो हमने इसका प्लग ऑन कर लिया, पावर बटन को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक साउंड क्रिएट करता है जब इसको हम ऑन और ऑफ करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, और इसके अंदर बीपर मतलब ये जो इसकी वॉइस है वो आप हाई या लो कर सकते हैं। और यहाँ वाटर लेवल का ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है, और यहाँ वॉश का भी ऑप्शन मिलता है, कितने मिनट्स का हमें प्रोग्राम जो वॉश करना है। और यहाँ रेंज का भी कितने मिनट्स का है, स्पिन का भी हमें दिख रहा है, हाई मीडियम और लो का आप ऑप्शन कर सकते हैं। और यहाँ हमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, प्रोग्राम वन नॉर्मल जेंटल जो वूल और साड़ी के कपड़ों के लिए होता है, ये क्विक वॉश है। और यहाँ स्ट्रॉन्ग जैसे जींस जैसे स्टफ के लिए होता है, और ये नॉर्मल हो गया। यहाँ एक्वा रिजर्व है, एक्वा रिजर्व हमें कहाँ काम आता है, जैसे हमें पानी को पहले से स्टोर करके रखना पड़े। और यहाँ फेवरेट प्रोग्राम आप अपना फिक्स कर सकते हैं। और ये जो टब है, जो वॉशर का और ड्रायर का जो टब है, आप उसको अगर क्लीन करना चाहें तो फिर ये जो टब क्लीन का ऑप्शन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ प्रोग्राम को स्टार्ट और पॉज करने का हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है, और ये पावर ऑन ऑफ करने का हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है। सो दोस्तों, आपने इसका जो कंट्रोल पैनल का डेमो तो देख लिया होगा, अब मैं आपको इसके अंदर कपड़े वॉश करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो पाइप है, पाइपलाइन की फिटिंग है, यहाँ से पानी की ऑन है और ये वॉशिंग मशीन अपने आप जो पानी ले लेगी। तो आइए मैं अब आपको इसके अंदर कपड़े वॉश करने सिखाता हूँ, डेमो देता हूँ आपको कपड़े वॉश करने का। तो मैं वॉशिंग मशीन को अब ऑन करने जा रहा हूँ, ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। उसके बाद बीपर ये जो है वो मैंने आपको बता दिया। वाटर लेवल मैं इसके अंदर कम ही रखता हूँ, बिकॉज मेरे को अभी बहुत ही कम कपड़े वॉश करने हैं, तो मैं इसका बिल्कुल मिड 3 नंबर पे वाटर लेवल रखता हूँ। और मुझे कम कपड़े हैं इसलिए मैं कम ही इसके अंदर वॉश करना है मुझे, तो मैं इसको 6 पर ही रखता हूँ। उसके बाद मैं रिंस देखता हूँ, तो रिंस भी मैं 1 पर ही रखूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कम ही कपड़े यूज़ करने हैं, आपको जस्ट डेमो देना है। और ये स्पिन है तो स्पिनर को मैं मिड पे रखूँगा। और प्रोग्राम जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो नॉर्मल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, जेंटल होता है वुलन और साड़ी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। क्विक वॉश होता है, ये 3 से 5 मिनट तक चलता है। इसके अंदर आपको जल्दी से कपड़े वॉश करके कहीं जाना हो या आप कहीं लेट हो रहे हो तो आप क्विक वॉश दे सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग जींस के लिए होता है। और इसका प्रोग्राम जो नंबर 2 है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा। और ये देख सकते हैं इसने मिनट्स ले ली हैं, तो अब मैं इसको यहाँ स्टार्ट कर लूँगा। तो अभी एक हमें साउंड आ रही है, तो अभी आप इसको देख सकते हैं, ये जो वॉशिंग मशीन है यहाँ से पीछे से जो पानी है वो ऑन है। अभी आप देख सकते हैं ये वाटर लेवल सेलेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, बट मैंने भी किया था इसके अंदर वाटर लेवल सेलेक्ट। तो ये जो स्पिनर है अभी ये राउंड कर रहा है, ये घूम रहा है आप देख सकते हैं जैसे इसको। तो इसका जो टब है वो अभी जो घूम रहा है, जो देख रहे हैं, जो इसके सेंसर्स हैं डिटेक्ट कर रहे हैं, और ये कुछ ही देर में पानी आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर आप देख सकते हैं। एक बार और जो है इसका टब है, उसने एक बार और राउंड लिया है, तो ये राउंड ले रहा है और कुछ ही देर में जो पानी आना है वो शुरू हो जाएगा इसके अंदर। और अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां वॉश का जो ब्लिंक कर रहा है, जो प्रोग्राम यहां चलता रहेगा वो चीज़ें यहां ब्लिंक होती रहेगी।
तो अब हमें साउंड आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ से पानी आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके अगर आपको दिखा सकता हूँ तो ये आप देख सकते हैं पानी जो आ रहा है वॉशिंग मशीन के अंदर। तो ये जो टब है जिस हिसाब से हमने इस वाटर लेवल को रखा था 3 नंबर पे, तो उस हिसाब से पानी आ रहा है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स जस्ट थोड़ी देर बाद, जब तक इसके अंदर जो वाटर लेवल इसका 3 पे फिल हो जाता है, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद मैं आपको वहां से कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को। सो फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने डिटर्जेंट बॉक्स के अंदर सर्फ डाल दिया था और कैसे जो पानी ऑटोमेटिकली इस डिटर्जेंट बॉक्स के अंदर से आ रहा था, तो ये जो वाटर लेवल था जो हमने वॉशिंग मशीन का दिया था वो अभी पूरा हो चुका है। और आपको मैं दिखा देता हूँ जो ये सर्फ वाला पानी है इसके अंदर वो अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है सर्फ। तो अभी मैंने इसको पॉज कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर जो वॉश करने वाले कपड़े होंगे वो मैं इसके अंदर डालूंगा। तो अभी ये मेरे जैसे वॉशिंग क्लोथ्स हैं तो मैं इनको इसके अंदर डाल रहा हूँ और सर्फ में इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स हो चुकी है। यही फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की खासियत है कि ये जो सर्फ अपने आप वॉश हो जाती है, इसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो मैंने जो कपड़े हैं, मेरे मैले कपड़े हैं, जो गंदे कपड़े हैं, वो मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। मैंने एक बार प्रोसेस को पॉज किया है आपको दिखाने के लिए कि मैं कैसे कपड़े डाल रहा हूँ और कैसे जो सर्फ थी ऑटोमेटिक मिक्स होकर इसके अंदर मैंने सर्फ डाली थी, इसके अंदर से पानी आया और पूरा सर्फ वाला पानी इसके अंदर चला गया और इसको मैंने वापस क्लोज कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका वापस जो स्टार्ट वाला पोज और स्टार्ट वाला जो इसका बटन है, मैं इसको वापस स्टार्ट करूंगा। तो मैंने इसको वापस स्टार्ट कर दिया है और यहाँ अभी वॉश का ऑप्शन दिखा रहा है और जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ मेरे कपड़े वॉश होने जो शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर ये कपड़े जो वॉश अभी मेरे होने शुरू हो गए हैं इसके अंदर। ट्राई करता हूँ अगर मैं आपको खोल के दिखा पाता हूँ, लेकिन मैं आपको खोल के नहीं दिखा पाऊंगा। ये वॉशिंग मशीन में कुछ सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, तो आप देख सकते हैं जो कपड़े अभी तक घूम नहीं रहे हैं। तो ये वॉशिंग मशीन कुछ सिक्योरिटी रीजंस है जो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो कपड़े रुक जाएंगे। तो अभी ये वापस जो कपड़े हैं वो घूमना शुरू हो चुके हैं, आप थोड़ा बहुत देख सकते होंगे ग्लास के अंदर। तो जो कपड़े हैं इनके घूमना शुरू हो चुके हैं। मैं अभी जो कपड़े का जो टाइमर है जो पूरा हो जाता है, यही फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की खासियत होती है। जो टाइमर है वो अपने को अपने आप डिस्प्ले होगा, ये वॉशिंग मशीन चल के बताएगी आपको कि ये कितना टाइमर लेगी और ये कौन सी प्रोसेस यहाँ चल रही है। सॉक प्रोसेस हो चुकी है, अभी वॉश प्रोसेस चल रही है, उसके बाद रिंस प्रोसेस होगी और उसके बाद स्पिन प्रोसेस होगी। यही तो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की खासियत रहती है और यहाँ से अपने आप पानी ले लेती है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिक पानी ले लेती है इसके अंदर। और यही फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की खासियत होती है। अब यहाँ हमने प्रोग्राम सेट कर दिया और टाइमर इसने अपनी तरफ से बता दिया कि इतने टाइम में कपड़े वॉश होकर ड्राई होकर अपने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ और ये वॉश प्रोसेस होने के बाद में। सो फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे हैं जो वॉशिंग प्रोसेस है वो चल रही है और जो पानी आप देख रहे हैं वो काफ़ी अभी जो पानी जो मैला होना शुरू हो चुका है, जो पानी गंदा होना शुरू हो चुका है, दैट मीन्स कपड़ों का मैल है वो अच्छे से निकल रहा है, कपड़ों जो डर्ट है वो अच्छे से निकल रही है पानी के अंदर। और अब जो काफ़ी प्रोसेस है वो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊँगा ये जो रिंस प्रोसेस है वो इसके अंदर अब चल रही है। तो रिंस प्रोसेस शुरू होने वाली है और यहाँ हमने कहाँ मिनट से शुरू किया था और यहाँ अभी सिर्फ 2 मिनट आ चुके हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो ये देख सकते हैं आप, जैसे मैं इसको उठाऊंगा वॉशिंग मशीन रुक जाएगी और बीप की साउंड करने लगेगी। तो अभी आप इसकी जो रिंस की प्रोसेस है वो आप देखिएगा कि कैसी होती है इस वॉशिंग मशीन के अंदर रिंस की प्रोसेस, कैसे ये जो पानी को सारा बाहर निकाल कर और कैसे कपड़ों को अच्छे से सुखा देगी ये वॉशिंग मशीन। सो फ्रेंड्स जब आप देख सकते हैं जो ड्रायर का जो फंक्शन शुरू हो चुका है, कपड़े अपने अच्छे से वॉश हो चुके हैं और जो प्रोसेस है वो चल रहा है, स्पिन का प्रोसेस अभी चलने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि जो सारा पानी है इसके अंदर से वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है।
तो सारा पानी जो जो सर्फ का जो सारा पानी होगा वो सारा बाहर निकल जाता है ऑटोमेटिक। यही जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यही खासियत होती है एक जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कपड़े स्पिन होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे भी दोस्तों आपने देखा कपड़े स्पिन होना शुरू हो गए हैं, मैंने आपको सारी प्रोसेस दिखाई कपड़े वॉश करने से पानी जो ऑटोमेटिक ये लेती है, और उसके बाद आपने देखा कि जो ये कैसे सॉफ्ट प्रोसेस हुई, वॉश प्रोसेस हुई, रिंस प्रोसेस हुई, और उसके बाद हमने आपको दिखा रहा है हम मैं आप मैंने आपको भी जस्ट दिखाया कि कपड़े जो स्पिन होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा कुछ आपको ज़रूरी बातें बता देता हूँ जब तक कि कपड़े स्पिन भी हो जाएंगे। तो पहली बात का हमको क्या ध्यान रखना है कि जो वॉशिंग मशीन है, अगर आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, तो सबसे पहली और मस्त बात तो ये होगी कि आपको ये जो पाइपलाइन की फिटिंग है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको इसके जो मेन इसका जो कवर है इसको खोल कर आप अगर बाल्टी से पानी डालेंगे वॉशिंग मशीन के अंदर, तो जो इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं वो इसको डिटेक्ट ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि जो आपके वॉश टब का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो कितना है, लो है, मीडियम है या हाई है, या जिस हिसाब से क्या लेवल है। तो पहला सबसे जो दिक्कत हमें ये फेस करने को मिलेगी कि जो वॉश टब के अंदर जो सेंसर लगे होंगे वो नहीं वाटर को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो आपको ये पाइपलाइन तो मस्त लगानी है, जो पाइपलाइन के थ्रू पानी आएगा तभी जो वॉशिंग मशीन के सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद आप ये भी काफ़ी प्रोसेस है इसके अंदर, सिर्फ अगर आपको रिंस का अगर सिर्फ आपको कपड़े ड्राई करने हैं तो आप सिर्फ ड्राई कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ कपड़े वॉश करने हैं तो आप कपड़े सिर्फ वॉश भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के मन के अंदर वहम होता है कि अगर आप इसके अंदर आप सिर्फ एक पूरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको वर्लपूल की वॉशिंग मशीन के अंदर भी दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको एलजी वॉशिंग मशीन का भी डेमो दे रहा हूं। इनके अंदर क्या होता है, अगर आपको सिर्फ वॉश करना है तो आप वॉश भी कर सकते हैं, और या फिर अगर आपको सिर्फ ड्राई करना है तो आप कपड़ों को ड्राई भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जो लोगों का माइंडसेट है ये मैं चेंज करना चाहता हूँ कि जो फुली ऑटोमेटिक के अंदर भी हमें सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और इस वॉशिंग मशीन का जो वॉशर और टब जो वॉशर है और जो ड्रायर है तो वो काफ़ी अच्छे से जो जैसे हमने देखा काफ़ी अच्छे से वर्क किया और A to Z जो सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो मैंने आपको सारा दिखाया और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने ऑलमोस्ट स्पिन प्रोसेस भी जो है वो डन हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कपड़े भी सूखने के बाद स्पिन प्रोसेस के बाद कपड़े अपने कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद में। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कपड़े हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं जो कपड़े हैं, और ये काफ़ी हद तक इनके अंदर से जो मैल है वो निकल चुका है और काफ़ी हद तक कपड़े साफ़ हो चुके हैं। तो यही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का फ़ायदा होता है। जैसे अगर आप कहीं जॉब में हैं या फिर आप अगर सिंगल हैं, आप वर्कर हैं अपने घर पे, आप ये अगर सारा काम संभाल रहे हैं तो उसके अंदर आपको फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बहुत आपको ज़रूरत रहेगी। क्योंकि आप अपने को सिर्फ कमांड देनी है, सिर्फ प्रोग्राम सेट करना है, टाइमिंग फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने आप सेलेक्ट करेगी और अपना सारा काम ये चारों प्रोसेस सॉक वॉश रिंस और स्पिन वाली सारी प्रोसेस डन करके हमें ये दे देगी। और उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारी प्रोसेस करके हमें मिल गया, तो आप अपना कोई और भी काम कर सकते हैं, बीच में कुछ और काम लग जाए तो ले अगर आप उन वॉशिंग मशीन्स के अंदर क्या होता है जो सेमी ऑटोमेटिक होती है उसके अंदर आपको टाइमर को बार बार आपको रोटेट करना पड़ता है, इसमें आपने जो एक बार सेट कर दिया सो सेट कर दिया। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये अपने आप सारा सर्फ वगैरह लेती है। तो होप गाइज आपको मेरी डेमो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो यार आपको सपोर्ट जरूर आपने मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर देना है और मुझे मेरी वीडियो लाइक करनी है, मेरी वीडियो को सपोर्ट करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होप आपके आज सारे जो सवाल हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर कुछ और भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे क्वेश्चंस को मेल भी कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच।